राम मंदिर में सोने के दरवाजे की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 3 दिन में 13 और दरवाजे लगेंगे, 42 दरवाजों पर 100 किलो सोने की परत चढ़ाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू नॉलेज। राम मंदिर से जुड़ी सभी बड़ी खबरों को देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको राम मंदिर से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, जिस प्रकार भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या पधारे, उस समय जिस प्रकार अयोध्या में आनंद का माहौल था, हर्षोल्लास का समय था, आज ठीक उसी प्रकार का समय हमारे भारत में चल रहा है। 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या में तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं और इन तैयारियों का सीएम योगी आदित्यनाथ समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के सोने के दरवाजे की पहली तस्वीर सामने आई है। यह दरवाजा करीब 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। इसे फर्स्ट फ्लोर पर लगाया गया है। दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में 13 और सोने के दरवाजे लगाए जाएंगे। गर्भगृह में सिर्फ एक दरवाजा होगा, जिसकी चौखट के ऊपर भगवान विष्णु की शयन मुद्रा चित्र को उकेरा गया है। दोस्तों, राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगेंगे। इनमें से 42 यानी 42 पर 100 किलो सोने की परत चढ़ाई जाएगी। बाकी 4 दरवाजे सीढ़ियों पर लगेंगे, इन पर सोने की परत नहीं होगी। इन दरवाजों को महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी से बनाया गया है। इन पर हैदराबाद के कारीगरों ने नक्काशी का काम किया है। इसके बाद इन दरवाजों पर तांबे की परत चढ़ाई गई, फिर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। दोस्तों, रामलला का सिंहासन भी सोने का बनाया जाना है। इस काम को भी 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर का शिखर भी सोने का होगा, लेकिन इस काम को बाद में किया जाएगा। मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी चरण पादुकाएं भी रखी जाएंगी। ये चरण पादुकाएं 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी की बनाई गई हैं। दोस्तों, राम मंदिर से जुड़ी कुछ विशेष तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। दोस्तों, ये पहली तस्वीर है जिसमें राम मंदिर परिसर में जटायु टीला पर एक प्रतिमा लगी है, जो कि जटायु जी की प्रतिमा है। और ये दूसरी तस्वीर, दीवारों पर बेहद बारीकी से खूबसूरत प्रतिमाएं उकेरी गई हैं कलाकारों द्वारा। और ये तीसरी तस्वीर, जिसमें राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां एक अंतिम चरण में चल रही हैं। फोटो में मंदिर का ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर दिख रहा है। ये चौथी तस्वीर में मंदिर परिसर के अंदर का दृश्य रात के वक्त रोशनी में एकदम सुंदर दिखाई दे रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। और ये पांचवी तस्वीर में दिख रहा है कि परिसर में हाथियों की भी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाई गई हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको साथ ही राम मंदिर की मूर्तियों से जुड़ी कुछ जानकारियां देते हैं। 18 जनवरी से मूर्ति अधिवास प्रारंभ होगा। इसका अर्थ है श्री ठाकुर जी विश्राम करेंगे, सुबह शाम जलाधिवास होगा। 19 जनवरी की सुबह फल और शाम को धान अधिवास होगा। 20 जनवरी की सुबह पुष्प और शाम को रत्न अधिवास होगा। 21 जनवरी की सुबह शर्करा मिष्ठान और मधु यानी शहद अधिवास होगा और शाम को औषधि और सैया अधिवास होगा। साथ ही आपको बता दें कि भगवान राम सूर्यवंशी हैं, इसलिए द्वादश अधिवास हो रहे हैं। इसके अलावा 16 से 22 जनवरी तक चतुर्वेदी यज्ञ होगा। 22 जनवरी को रामलला के विग्रह की आंखों की पट्टी खोली जाएगी और उन्हें दर्पण दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी श्री राम मंदिर से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। ऐसी ही तमाम वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।